जा रहे हो? सीधा चलो। आंखें हैं या बटन, देख के नहीं चल सकते? ओए, सर पे ये मटका जो रखा है और ऊपर से ये खिड़की बंद है तो दिखेगा कैसे? पता नहीं ये हेलमेट एक्सीडेंट से बचने के लिए बनाया है या एक्सीडेंट होने के लिए। तो उतार दो इस हेलमेट को। ओए टीचर जी, हमें ना टीच ना करो, जल्दी से उस घर के पास लेके चलो। बढ़िया है टीच करने वाली, चल। देखा मेरा लगाया हुआ निशान? अब तक लगा है, यही है वो घर। हाँ, दिख तो हमें भी रहा है। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। तो चलो छीन लो अपने मैजिक मोबाइल। वहां कहाँ जा रही हो? निशान तो यहाँ लगाए ना। यहाँ नहीं, वहां लगाए, उस घर पे। इसका मतलब दो घरों में एक ही मैजिक मोबाइल, डबल रोल है क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी आई बच्चों को अकल देने वाली बेवकूफ कहीं की। अरे हर दरवाजे पे निशान लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने सिर्फ एक ही दरवाजे पे निशान लगाया था। इसका मतलब उस बच्ची ने हर दरवाजे पे निशान लगाए। बहुत चालाक समझती है अपने आप को। चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे हमें इस इलाके के हर घर में जाना होगा, और जैसे ही वो लड़की हमारे सामने आएगी तो उसे पहचान लोगी। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़। तेरी तो मजा आ गया। अच्छा हुआ हमारे मैजिक मोबाइल के सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं पता चला। हाँ लेकिन काश हमारा मैजिक मोबाइल अच्छा अच्छा खाना ला सकता। बाग बाग का भूख लग गई। इस काम के लिए मैजिक मोबाइल की जरूरत नहीं है, हमारे हलवाई अंकल है ना, तो चल। इस बात पे हलवाई की यहाँ चाट पकौड़े खा के आते हैं, चल। अरे लल्लन बेवकूफ, तुझे सड़क पर पैदल चलने के लिए हेलमेट लगाने की क्या जरूरत? अंट बरी भी हैप्पी जीजा। अरे वो तो अच्छा किया कि हम ये हेलमेट पहन लिए, वरना वो टीचर ना मार मार के हमारे सर का फुटबॉल बना देते। अरे मैजिक मोबाइल ना सही, कम से कम ये टॉय मोबाइल तो मिल गया, इसमें हम गाने तो सुन सकते हैं। अरे उस बच्ची से ना वो मैजिक मोबाइल तो मिल नहीं सका, तो यही ले लो। पंगा मुझसे पंगा? वो लड़की अपने आप को बहुत अकलमंद समझती है, लेकिन क्रेजी कालेश्वर कूल है, और इस कूल दिमाग ने अपना दूसरा प्लान भी बना लिया है। तुम्हारा दिमाग नहीं कूल, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। अरे हमने इतनी मार खाई फिर भी आपका पेट नहीं भरा का? कालेश्वर का मन उस दिन भरेगा जब इन उंगलियों पर उस मैजिक मोबाइल की शक्ति आ जाएगी। उस बच्ची ने मुझे ये खिलौने वाला मोबाइल देकर बेवकूफ बनाया है, और मैं इसी खिलौने वाले मोबाइल से उसे बेवकूफ बनाऊंगा। हमारे जिज्जा का दिमाग भी ना घास चलने गया है, अपने बकवास प्लान के चक्कर में हमें भेज दिए। अरे इतनी रात को कौन आएगा खिलौने लेने? बुरबक कहीं का। खिलौने ले लो, पुराने खिलौनों के बदले में नए खिलौने ले लो, पुराने खिलौनों के बदले में नए ले लो, पुराने खिलौनों के बदले नए खिलौने। वाह! भागो!
अगर हम आपको सारे पुराने खिलौने दे देंगे तो आप हमें नए खिलौने दोगे? हाँ हाँ, कार के बदले कार देंगे, ट्रेन के बदले ट्रेन देंगे, और अगर तुमने ना हमें कोई अच्छा सा सुंदर सा मोबाइल ला के दिया ना, तो उसके बदले हम तुमको ये 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 उड़ने वाला हेलीकॉप्टर देंगे। हाँ, हाँ अभी नहीं, पहले जाओ लेके आओ, जाओ। अंकल आप यही रुकना, कहीं जाना नहीं, हम अपने सारे पुराने खिलौने लेके आते हैं। जाओ जाओ बच्चे, जाओ 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 जाओ। हमारे खिलौने भी तो अच्छे हैं, तो हम उनके बदले दूसरे खिलौने क्यों लें? अरे हाँ, क्यों ना हम रविंदर के खिलौनों के बदले नए खिलौने ले ले। रविंदर घर पे भी नहीं है। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। अरे चुप। और रविंदर को पता भी नहीं चलेगा। मिक्की तू बाहर जाकर उस खिलौने वाले को रोक के रख। चल हम रविंदर के कमरे से खिलौने लेके आते हैं। ऐसा कर, तू यहाँ देख, मैं वहां देखता हूँ। हाँ चल। और हाँ, सिर्फ अच्छे खिलौने लेना, जिसके बदले हमें और अच्छे खिलौने मिले। वाह अच्छा है, रख लेते। तुमने ना हमें कोई अच्छा सा सुंदर सा मोबाइल ला के दिया ना, तो उसके बदले हम तुमको ये 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 उड़ने वाला हेलीकॉप्टर देंगे।